आत्मा ही आनंदमय, आनंदमय ही आत्मा है। लेकिन भगवान ने सृष्टि लीला रचना करके जीव चैतन्य सत्य को छोड़ दिए हैं माया के अंदर। ये भगवत इच्छा, एक अहं बहुश्याम प्रजायो, हम अकेला है, बहु बन के हम अपने खेल रचना करेंगे, बहु बन के हम खेलेंगे। तो भगवान प्रकृति में अपने चैतन्य सत्य को छोड़ दिए, वह है अखंड। लेकिन भगवान जैसे पानी के अंदर वायु छोड़ देने से, फूंक लगाने से उसके अंदर बहुत सारे अखंड अनंत तो बुलबुला बन जाता है, छोटे छोटे वायु कण है, एक ही वायु कण, लेकिन पानी में जाकर के वो एक छोटा छोटा वायु कण बन जाता है, चारों ओर पानी में वायु कण, देखने में लगता है जैसे हजारों वायु कण है, लेकिन वो एक ही वायु कण वायु है, उस वायु का ही ये देखने में लगता है जैसे अलग 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 एक कण बन के खेल रहा है। ऐसे ही भगवान अखंड है, ऐसे छोड़ दिए हैं माया में अपने चेतन सत्ता को, माया में आकर के ये बहु बन गया है, बहु बन के आप खेलना शुरू किए हैं। भगवान एक है और भगवान इच्छा किए हैं हम सृष्टि रचना करके बहु बन के हम खेलेंगे। फिर भगवान आप खेलने के लिए वो चेतन सत्ता को पहले एक शक्ति उसमें निक्षेप किए, माया में निक्षेप करके आवरणात्मिक शक्ति, भगवान की प्रथम शक्ति है आवरणात्मिक शक्ति, आवरण शक्ति के प्रभाव से वो पूरा वो चेतन शक्ति चित्तकण जो है उसको आवरण कर दिया, आवरणात्मिक शक्ति। जैसे वायु में फूंक लगाने से अलग अलग बुलबुला बन जाता है, चारों ओर पानी बीच में वायु कण, वायु कण जब ऊपर आ जाता है तो क्या होता है, पानी पानी वायु वायु है ना। ऐसे ही भगवतम जीव अविनाशी चेतन अमल सहज शुभ राशि, छोड़ दिए हैं माया में, हो गया वही कण वायु कण जैसे आ गया, कण हो गया, और उसमें चारों ओर जैसे पानी बीच में वायु कण, ऐसे चारों ओर माया बीच में चेतन सत्ता, इसका आवरण कर लिया, इसको कहते आवरणात्मिक शक्ति। इस आवरण शक्ति के प्रभाव से जी भूल गया जो मैं भगवान का अंश हूं, भगवान से हमारा अभी अविच्छेद अखंड नित्य संबंध ही बुला दिया, माने स्वरूप विस्मृति, आवरण शक्ति के प्रभाव से स्वरूप विस्मृति, भूल गया मैं कौन हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, भगवान से हमारा नित्य संबंध और वो प्रेममय संबंध, अखंड आनंदमय संबंध, नित्य संबंध, वो किंचित समय के लिए भी, पलक के लिए भी कभी उसके भगवान के साथ हमारे डिटैचमेंट कभी संभव नहीं है। वो आनंद, पूर्ण आनंद, वो भूमानंद, वो भूमानंद के अंश है हम, उनसे हमारा विच्युति कभी किसी अवस्था में संभव नहीं, लाख प्रयत्न करो संभव नहीं। सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित संबंध, वो संबंध कैसे, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित, सजातीय भेद है जैसे मनुष्य में भेद है, वो कि अलग जाति के हैं हम अलग जाति के हैं, लेकिन भेद है, मनुष्य मनुष्य में भेद है, उसके चेहरा अलग हमारे चेहरा अलग है, उसके रूप अलग हमारे रूप अलग, उसकी जाति अलग हमारी जाति अलग, उसके स्वभाव अलग हमारे स्वभाव अलग, लेकिन है सजातीय एक ही मनुष्य है, इसको कहते हैं सजातीय भेद। और एक है विजातीय भेद, जैसे कुत्ता बिल्ली मनुष्य प्राणी है जीवात्मा है, लेकिन आत्मा होने से क्या है, ये विजातीय, वो अलग, वो पशु है, ये मनुष्य है, वो बिल्ली है, वो कुत्ता है, वो गधा है, ये इसको कहते हैं विजातीय भेद। और एक भेद है स्वगत भेद, स्वगत भेद है जैसे हमारे हाथ है, दाहिना हाथ और बायां हाथ हमारे हाथ है, दोनों हमारे हाथ है, लेकिन दोनों हाथ में भेद है, ये हाथ में कष्ट होने से ये हाथ का कष्ट नहीं होता है, हैं दोनों ही हमारा हाथ है लेकिन दोनों में भेद है, इसको कहते हैं स्वगत भेद। भगवान से हमारा तीनों भेद रहित संबंध,
सजातीय विजातीय सगत भेद रहित सम्भव। आप मान लो कितना निकटतम कितना प्रियतम, आप तुम चिंता करो, कल्पना करो, ये कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तव है, ये सत्य है, बाकी सब कल्पना है। तुम इसका कल्पना मानते हो, वास्तव ना, तुम जो कल्पना कर रहे हो, तुम देख रहे हो, तुम जो सुन रहे हो, तुम जो महित का संसार चक्र में घूम रहे हो, ये कल्पना है, ये कल्पना नहीं है, ये सत्य है। तुमने भूल गए हो, तुमने भूल गए हो, भूल को मिटाओ। भूल को मिटाना ही साधना, साधना एक क्या है, एक भूल को मिटाना। हमसे बहुत भारी भूल हो गया है, जो हमने अपने प्रियतम, हमने सबसे निकटतम, हमने अखंड आनंद सिंधु, जो उस सिंधु का ही हम बिंदु है, सिंधु से ही हमारे संबंध है, भुला दिया माया ने हमको। बस हमने माया में आकर किस तरह से लिप्त हो गया, भुला दिया अपने स्वरूप। इसको कहते हैं भगवान का आवरणात्मक शक्ति, जिस शक्ति का प्रभाव से जीव अपने को भूल गया, जो मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है, यह भगवान का आवरणात्मक शक्ति। दूसरा शक्ति भगवान ने एक प्रयोग किया, उसका नाम है विक्षेपात्मक शक्ति। विक्षेप ये माया, माया से भगवान स्वयं नहीं, माया से करा रहे हैं, माया से शक्ति, शक्ति को संचार करके माया के द्वारा एक क्रिया कर रहे हैं, माया की क्रिया विक्षेप शक्ति। विक्षेप शक्ति का प्रभाव से स्वरूप विस्मृति, स्वरूप विस्मृति नहीं, भेद बुद्धि। आवरणात्मक शक्ति का प्रभाव से स्वरूप विस्मृति, और विक्षेपात्मक शक्ति का प्रभाव से भेद बुद्धि, माने एक कुत्ता, ये बिल्ली, ये मनुष्य, ये है, ये अलग है, ये अलग है, मैं अलग हूँ, ये अलग हूँ, ये जो भेद बुद्धि, यह है विक्षेपात्मक शक्ति। वास्तव में भेद नहीं है, वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, सब आत्मा है, सब में आत्मा है, सब में भगवान है, सभी उनका खेल है। बस ये भेद बुद्धि करा दिया, किसी भी अवस्था में हम इस भेद बुद्धि को अपसारण कर नहीं पाते हैं, और ये अपसारण करना ही साधना है। साधना का प्रयोग पहले स्वरूप ज्ञान, जो मैं कौन हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान से मेरा नित्य संबंध है, और भेद बुद्धि ये जो है सब में प्रभु है, सब में प्रभु है जान करके, सबके प्रति आदर बुद्धि, सबके प्रति एक अपनापन, सबके मंगल कामना, कायमन वचन से किसी के प्रति कोई हीन भावना नहीं आना चाहिए, किसी का अकल्याण कायमन वचन से हमारे द्वारा कभी किसी का अकल्याण नहीं होना चाहिए, जो सब में प्रभु है ये जान करके हमको उपासना करना है। तो ये दो साधना का दो प्राण केंद्र है। हम लोग साधन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान धारणा उपासना करते हैं, सब कुछ करते हैं, तीर्थ पर्यटन करते हैं, सत्संग करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हमारे जो मेन, हमारे प्रधान जो चिंतनीय विषय है, वहाँ कमी रह गया। पहले स्वरूप विस्मृति, वो क्या नहीं, भगवान से हमारा नित्य संबंध है, भगवान हमारे अपना है, भगवान से हमारा नित्य संबंध था, है, रहेगा, ये किसी भी अवस्था में पलक के लिए उनके साथ हमारे अलग होना संभव नहीं है, ये भावना, ये चिंतन। ऐसे भगवान के साथ जो हमारे सबसे प्रियतम संबंध हो, इस संबंध बोध को जगाना है। संबंध बोध एक बार जाग गया ना, तो ये जो क्रियात्मक भजन पद्धति, नाम जप, ध्यान धारणा, उपासना, स्तुति, स्तुति, वंदना आदि, तीर्थ पर्यटन आदि, पूजा पाठ, सब इंद्रिय के द्वारा जो भी किया जाता है भगवत उपासना, इसको कहते हैं क्रियात्मक। और अंतकरण के द्वारा भगवान से एक तल्लीन तन्मयता के साथ जो उपासना है, यह भावनात्मक, दोनों होनी चाहिए। भावनात्मक है प्रधान, हम तो क्रियात्मक के तरफ ज्यादा जोर देते हैं, जो क्रिया, आज का पूजा हुआ कि नहीं, आज की ये हुआ कि नहीं, आज नाम जप हुआ कि नहीं, क्रियात्मक है ना, लेकिन ये भावनात्मक, भावनात्मक ये सबसे प्रधान है, प्राण केंद्र है। और भावनात्मक ये बोध, संबंध बोध जब जागृति नहीं होती है, तब तक जा करके भजन में आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। जब तक क्रियात्मक रहता है, हम इतना नाम कर लिया, जप कर लिया, ध्यान धारणा कर लिया, आज का भजन हो गया, चलो, और मन हमारा जहाँ के तहाँ वहीं पड़ा है, हम स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार में आसक्त होकर बस इनके ही सुख समृद्धि, इनके ही लिए हम सब चिंतन करते हैं,
बस हम संसारी हैं, संसार हमारे हैं, ये करना है वो करना है, ऐसा है तैसा है। और भजन नियम जो करते हैं क्रियात्मक हो गया, बस आज का भजन हो गया। इस तरह से भजन करने से बहुत समय लग जाएगा, न जाने कितना जन्म लग जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए चाहिए संबंध बोध को जगाना है, संबंध बोध हमारे सबसे प्रियतम सबसे निकटतम है, ये बोध, ये संबंध है ना। तो इस तरह से भगवान आते हैं वो चेतन सत्ता को जगाने के लिए। भगवान निजी सत्ता, निजी अंश होने के कारण भगवान युग युग में आते हैं, आकर के जगत जीव को चेतना शक्ति जगाने के लिए इस तरह से नाना प्रकार उपाय अवलंबन करके भगवान जगत जीव को आगे ले जाते हैं। उनको चित विषय जो उनकी चेतना शक्ति जो है उसको जगा देते हैं। ऐसे ही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस युग में आए हैं। हर युग में भगवान आते हैं, अंश रूप में, कला रूप में, कभी तो आवेश रूप में, हैं? इस तरह भगवान आते हैं, लेकिन पूर्ण रूप में। और वो भी प्रेम पुरुषोत्तम भगवान, वो प्रेम प्रदान करने के लिए जो इस युग में, इस कलयुग में आए हैं। ऐसे अवतार जो बार बार भगवान नहीं आते हैं, ये महाप्रभु का अवतार बार बार युग युग में नहीं होता है, भगवान युग युग में आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्यानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युग युग में ना। किंतु ये महाप्रभु, ये जो अवतार है पूर्णतम अवतार प्रेम पुरुषोत्तम, ये महाप्रभु बार बार आते नहीं, एक कल्प में एक बार आते हैं, एक कल्प आ करके वो प्रेम जगत जीव को भगवान निर्विशेष प्रदान करते हैं। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष कोई भी हो, भगवान उसको प्रदान करते हैं। ये करुणा, ये करुणा हर युग में देखने में आता नहीं है। हाँ, उपासना करते हैं, नाना प्रकार उपासना पद्धति है, लेकिन भगवान जो प्रेम पुरुषोत्तम रूप में जो आए हैं इस बार इस कलि युग में, ऐसे भगवान हर युग में आते नहीं है, एक कल्प में एक बार आते हैं। ये शास्त्र कहते हैं, ऐसे हमारे सब महापुरुष कहते हैं, है ना। तो इस बार आए हैं महाप्रभु वो प्रेम प्रदान करने के लिए जगत जीव को, वो ब्रजो प्रेम के निर्जास जो निभृत निकुंज के जो सेवा है, जो राधा कृष्ण जुगल मिलन के चरम निर्जास, जहाँ निभृत निकुंज में राधा कृष्ण दोनों विहार करते हैं, वो चरम निर्जास जो है वो प्रेम, वो प्रेम एकमात्र ये मंजरी स्वरूप के द्वारा, ये स्वरूप उपासना के द्वारा, ये स्वरूप प्राप्ति के माध्यम से ही वो प्रेम वहां तक उस आस्वाद में पहुंच सकता है। नहीं तो बस आभासी तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से आस्वादन करना कदापि संभव नहीं। भगवत शक्ति बहुत है, सभी एक ही शक्ति है, स्वरूप शक्ति एक है, दस स्वरूप शक्ति नहीं है, लेकिन वो स्वरूप शक्ति जो है भगवान के अलग अलग रूप में, लक्ष्मी है, सरस्वती है, सावित्री है, ऐसे सब सभी एक ही शक्ति है, सब राधा रानी के अंश है ना। लेकिन राधा रानी में जो शक्ति है, जो वस्तु है, महाभाव स्वरूपिनी जो राधा रानी, ये महाभाव स्वरूप एकमात्र राधा रानी और कोई देवियों में ये है, ये महाभाव स्वरूपिनी राधा रानी। तो ये महाभाव जो है एकमात्र राधा रानी के कृपा से ही वो महाभाव प्राप्त हो सकता है, नहीं तो और कोई दे नहीं सकते। इसीलिए भगवान राधा कृष्ण दोनों मिल करके एक होकर के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन करके इस कलि युग में आए हैं वो वस्तु देने के लिए। जिसके अंदर जो वस्तु है वो वही वस्तु दे सकते हैं, सबको थोड़ी वो महाभाव स्वरूपिनी थोड़ी है, देंगे कहां से। और जो भगवान स्वरूप है वो तो भगवान है, ठीक है, लेकिन वो महाभाव स्वरूपिनी एकमात्र राधा रानी, निभृत निकुंज लीला विलास, उसके जो चरम निर्जास है भवल्लसरती, वो कौन दे सकता है। जो उस स्वरूप जिनके है वही दे सकते हैं। तो इसीलिए राधा कृष्ण दोनों मिल करके
एक होकर के इस कलियुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के आए हैं इस कलियुग में। करुणा अवतीर्ण कलो समर्पयत उन्नत उज्जल रसांश भक्ति स्थियां हरि पुराण सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुलत वो प्रेम देने के लिए आए हैं भगवान। अनर्पित चरिंग चिराग कभी किसी युग में कोई भगवत स्वरूप ये प्रेम प्रदान नहीं किया है, प्रेम दिए हैं लेकिन ये जो मंजरी उपासना के बाबुल्ला सरती एक जो रति तीन प्रकार, एक साधारण रति, सामंजस्य रति, एक सामर्थ्य रति। सामर्थ्य रति है वृंदावन में, सामर्थ्य रति किसे कहते हैं, जैसे रति कृष्ण को सर्वतः भाव से मोहित करने में समर्थ है, मुग्ध करने में समर्थ है, जिस प्रेम में भगवान वशीभूत होकर के अपने भगवत्ता तक भूल जाते हैं, भक्त के पीछे पीछे चलते हैं, ये सामर्थ्य रति, इसको कहते हैं सामर्थ्य। हर तरह से कृष्ण को वशीभूत करने में समर्थ है, ये सामर्थ्य रति है वृंदावन में। वृंदावन छोड़ के और कहीं ये सामर्थ्य रति है नहीं। गोपी ब्रज गोपी के जो प्रेम है, नित्य सिद्धा गोपी है, ये कोई जीव कोटि के है नहीं, ये भगवान के स्वरूप शक्ति के है, सब सब राधारानी के सब अंशिनी है, सब ये राधारानी के सब ये स्वरूप जो है, जितना गोपियां है ब्रज गोपियां, ये साधारण नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, कोई जीव कोटि के है नहीं है। तो इनके जो प्रेम है ये प्रेम एकमात्र ये ब्रज गोपी में ही है, और बाहर कहीं कोई सत्ता में भगवत अंश में ये प्रेम है नहीं। इसीलिए ये जो ब्रज प्रेम है उपासना पद्धति जो ब्रज गोपियों के अनुगत होकर के भजन करना है, स्वतंत्र होकर नहीं, आपको प्रेम प्राप्ति करनी है तो ब्रज गोपियों के उपासना करके, उपासना उनके अनुगत होकर के आपको उपासना करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे मंत्र में गोपी जन नाम है, गोपी जन चार संप्रदाय में वो मंत्र है, मंत्र के एक शब्द है गोपीजन, गोपीजन बंधु है, नित्य नाम नित्य सिद्ध ये मंत्र है ना। तो ये मंजरी उपासना पद्धति, ये जो महाभाव, वो महाभाव एकमात्र ये मंजरी उपासना पद्धति में वो प्रेम प्राप्त करने में समर्थ है, राधारानी की कृपा से साधन चेष्टा के द्वारा अनंत काल अगर हम साधन करते रहे तो ये महाभाव की छटा, ये बाबुल्ला सरती प्राप्त होना कदापि संभव नहीं है। ये महाभाव स्वरूपी ने राधारानी की कृपा पुष्ट होकर, एक पत्र राधारानी की कृपा से ये भाव प्राप्त हो सकते हैं। ये स्वरूप राधारानी देते हैं, जो हमारे जो जुगल किशोर की जो सेवा, वो सेवा के लिए निवृत निकुंज में जो सेवा है, वो प्राप्ति के लिए जो राधारानी के सहचरी जो सेवा है, वो राधारानी देते हैं स्वरूप। जैसे साधारणतः क्या है, साधारणतः जीव चैतन्य सत्ता जो है मायाबद्ध जीव है, साधन करके पहले अपने पंचभौतिक शरीर से छूट जाता है, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर है गुणमय शरीर, गुण से आवरित है, उनमें सब गुण है, दस इंद्रिय है, पांच कर्म इंद्रिय, पांच ज्ञान इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये है सिर्फ पंच तत्व, अग्नि जल आकार वही पृथ्वी है नहीं, ये गुण से आवरित है। आवरित होकर के वो जीव चेतन सत्ता जब शरीर से निष्क्रांत होता है और गुणमय शरीर लेके जाता है, और जहां जिस शरीर में जाता है उस गुणमय शरीर से ही उसको उस तरह से शरीर बन के आता है, जैसे शरीर में प्रवेश करता है ऐसा ही शरीर बन के आता है, वो गुणमय शरीर लेकर के कुत्ता का शरीर में जाता है कुत्ता बन के आता है, गाधा का शरीर में जाता है गाधा बन के आता है, वो एक ही गुणमय शरीर। जब तक ये गुणमय शरीर नष्ट नहीं होता है तब तक इस संसार चक्र से उसकी मुक्ति नहीं, साधन के द्वारा फिर गुणमय शरीर नष्ट हो जाता है, अब हो गया मुक्ति पद प्राप्त हो गया, अब आया कारण शरीर। कारण है क्या, नहीं तुम चाहे तो भगवत शिवा में जा सकते हो, अगर तुम चाहो चिन्मय भगवत शिवा सन्निधि प्राप्त करना चाहते हो,
एक इच्छा, गुणमय कारण बने, क्या कारण, कारण बने हमको सेवा चाहिए। जैसे मान लो कोई वैकुंठ उपासक है, वैकुंठ सेवा चाहिए, और वैकुंठ लोग जाते हैं, जो शिव सदाशिव लोग जाते हैं वहाँ जाते हैं, और जो राम उपासक है वो राम के पार्षद बन के अयोध्या नित्य दिव्य अयोध्या धाम है वहाँ जाते हैं, और ब्रज उपासना जो है वो जैसे सुख दस्य मधुर भाव है, सुख वत्सल्य मधुर भाव, ये भाव प्राप्त करके अपना अपना भाव अनुसार वो ऐसे स्वरूप बन के हो जाती है। और जो ब्रह्म उपासक है वो ये कारण को भी समाप्त कर देते हैं, कारण माने और इच्छा ही नहीं, इच्छा समाप्त, इच्छा ही समाप्त पूरा, कोई चीज इच्छा भी नहीं, एक जड़ इच्छा एक चीज इच्छा। जड़ इच्छा संसार भौतिक पदार्थ के प्रति, भोग्य पदार्थ के प्रति आसक्त होकर भोग्य विषय प्राप्ति की इच्छा, यह जड़ इच्छा। एक चीज इच्छा, हम राधा रानी की सेवा करेंगे, राधा रानी के चरण में जाएंगे, वहां जुगल किशोर की सेवा करेंगे, यह चीज इच्छा। दो इच्छा हमारे अंदर है ना, ये जड़ इच्छा ये संसार बंधन का कारण है। ये जड़ इच्छा अगर प्रबल होता है आपके भीतर, जो ये चाहिए, भोग चाहिए, भोग सुख चाहिए, पैसा चाहिए, कौड़ी चाहिए, धन जन वित्त वैभव मान मर्यादा पुत्र प्रतिष्ठा सब चाहिए, ये जड़ इच्छा, ये जड़ इच्छा तुमको बांध करके संसार चक्र में ले जाएगी। इसीलिए जड़ इच्छा को समाप्त करना चाहिए। चीज इच्छा ये बढ़ाओ, क्या हम राधारानी की सेवा चाहिए, हमको वो स्वरूप प्राप्त होकर हम नित्य काल के लिए राधारानी के चरण में जा करके जुगल किशोर की सेवा में नियुक्त रहेंगे, ये चीज इच्छा। ये चीज इच्छा लेकर के चीज इच्छा जब बढ़ता जाता है, जड़ इच्छा घटता जाता है, धीरे 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 चीज इच्छा बढ़ते बढ़ते स्थिति पर चला जाता है, जड़ इच्छा शून्य हो जाता है, एक समय जाकर के जड़ इच्छा शून्य, अब चीज इच्छा जो है ये कारण में पहुंच जाता है, अब सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है, उसका इच्छा रहती है। अब ये चीज इच्छा लेकर के हमारी जो उपासना है वहां उसको गति होती है, और जो ब्रह्म उपासना है वो इच्छा को ही समाप्त कर देते हैं, तो कोई आवरण ही रहता नहीं है, कुछ नहीं, सब एकदम सब विलय हो जाता है, उसको कहती है ज्ञान मार्ग उपासना पद्धति, इसको कहते हैं भगवान में एक अखंड भाव से उनसे तल्लीन हो जाना, लिप्त हो जाना, मिल जाना भगवान से, यह है ब्रह्म उपासना पद्धति। हमारी उपासना वहां जाकर के भी अभी बाकी है, अब राधा रानी और कृपा स्वरूप जो मंजरी स्वरूप उसको देते हैं, उसमें जाकर के साधन अवस्था से ही हमारा यात्रा शुरू हो जाती है, वो जो स्वरूप है मंजरी स्वरूप उसको चिंतन के द्वारा पुष्ट होता है, राधा रानी की कृपा साधक के साधन चेष्टा दोनों का संयोग होता है, साधन चेष्टा और राधा रानी की कृपा। साधन चेष्टा माने हर समय चिंतन करना चाहिए, हमारे जो उपासना गौरी उपासना ये थोड़ा जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग ज्यादातर यहाँ सब गौड़िया है, हमारे उपासना विषय में थोड़ा सा जानकारी तो होना चाहिए ना, कैसे हमको प्राप्ति होती है, साधक के साधन चेष्टा और राधारानी की कृपा। साधन चेष्टा उस स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, मैं राधारानी की सहचरी हूँ, ऐसे हूँ, और राधारानी की कृपा के द्वारा पुष्ट होता जाता है, तो उसका चीज इच्छा बढ़ता जाता है, बढ़ते 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 एक समय जाकर के जड़ इच्छा शून्य हो जाता है, तो जाकर के उस स्वरूप में स्थित हो जाता है। फिर सूक्ष्म देह जब खत्म हो जाता है तो उस स्वरूप में जाकर के ये विलय हो जाता है, आप वो स्वरूप जो है वो स्वरूप लेके वो चलते हैं, निष्कांत तो होते हैं, उसके बाद भी उनको और बहुत सारे प्रेम अवस्था प्राप्त करने के लिए उनको और लोक में जाना पड़ता है, ऐसे कहते हैं हमारे आचार्यों ने, जहाँ नित्य लीला हो रही है, जहाँ पर राधा कृष्ण जुगल लीला विलास करते हैं, वहाँ ललिता आदि सखियों के साथ रह करके उनको यहाँ तक तो प्रेम तक पहुँच सकते हैं, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम इस शरीर में प्रेम तक हो सकता है, उसके आगे होना संभव नहीं। अगर उसके आगे वो अवस्था प्राप्त होता है तो शरीर पलक के लिए धारण करना संभव नहीं होता है, ये माइक शरीर उसको धारण कर नहीं पाता, इतना उसमें पावरफुल है, धारण ही कर नहीं पाएगा। स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव दर्शन प्राप्त करने के लिए वहां जाना पड़ता है, वहां जाके राधे राधा रानी और उनके सहचरियों के साथ रह करके
वो स्वरूप वो प्रेम पुष्ट होता है। पुष्ट होने से फिर महाबाप दशा में जा करके राधारानी की कृपा से वो स्वरूप सिद्ध होता है। उसके बाद वो स्वरूप लेके चलते हैं निवृत निकुंज में, जहाँ नित्य वृंदावन में, जहाँ नित्य विहार करते हैं राधा कृष्ण जुगल, वहाँ जाके वहाँ सेवा में जा करके आनंद प्राप्त करते हैं। यह है हमारी साधन पद्धति। ये स्वरूप प्रदान करने के लिए महाप्रभु आए हैं इस युग में, ने इस कली युग में। अनर्पित चोरिंग चिराग, जो कभी किसी युग में कोई भगवत स्वरूप अवतार ये वस्तु प्रदान किए नहीं है। अनर्पित न अर्पितो करुणा अवतीर्ण कलो, कोली युग में करुणा करके भगवान अवतीर्ण हुए हैं। ने जीव के इतना सौभाग्य कहा, वस्तु प्राप्त करेंगे करुणा करके महाप्रभु आए हैं वो वस्तु प्रदान करने के लिए। तो आज महाप्रभु के वो पावन तिथि हैं, उनकी उपासना जो ये प्रेममय उपासना हमारे लिए हैं, ये उपासना का प्राण केंद्र है एक संबंध बोध। इस संबंध बोध को पहले जगाना है। संबंध बोध जब तक नहीं जगता है तब तक जाके ठीक ठीक उपासना आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाता है साधक के लिए। क्रियात्मक भजन के द्वारा वो प्रेम पर्याय में पहुंचना संभव नहीं है। भावनात्मक साधक को चेष्टा करना चाहिए, हमारे भावनात्मक जो है वो हमारे धीरे 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 जड़ीय वस्तु से मन को हटा करके क्या हमारे भगवत चिंतन में वो राधारानी के कृपा प्रदत्त जो स्वरूप है मंदिर स्वरूप, उसमें एक भावनात्मक जागरण हो रहा कि नहीं, उसको जगाना है चिंतन के द्वारा। ऐसे चिंतन के द्वारा ही बहुत जल्दी हम आगे निकल सकते हैं। इसीलिए साधक ठीक है कर्म करो, कर्म में कोई दोष नहीं, संसार में रह करके जैसे कर रहे हो करो, कर से कर्म कर विधि नाना, चित रखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो लेकिन जानना ये संसार अनित्य है, ये था नहीं है नहीं ये रहेगा नहीं, ये रख नहीं सकते हैं। हमारे से राधा रानी से हमारे नित्य संबंध है, वो स्वरूप जो है राधा रानी की सहचरी स्वरूप, वो स्वरूप मेरा है, मेरे को वहाँ पहुँचना है, वो स्वरूप में हमको स्थित होना है। ऐसे भावना एवं ऐसे एक व्याकुलता उत्कंठा, उस वस्तु साधन का प्रधान क्या है, साधन हमारी क्रिया नहीं, हमारे साधन का प्रधान वस्तु जो है वो उत्कंठा व्याकुलता, उत्कंठा उत्तर उत्तर बांधना चाहिए, वो व्याकुलता उत्तर उत्तर बांधना चाहिए। अगर भजन कर रहे हैं हमारे व्याकुलता बांध नहीं रही है तो समझना साधन में कोई कमी है, हम आगे बढ़ नहीं रहे हैं। साधन कम हो रहा है लेकिन हमारी व्याकुलता बढ़ रही है, हर्षम उत्कंठा एक अतृप्ति, हमको एक चाहन, मैं कहाँ पड़ा हूँ, कब जाएंगे राधारानी के चरण सान्निध्य में, कब हम वो स्वरूप को झलक हमको मिलेगा, कब उस स्वरूप पे पहुंच करके हम राधारानी की सेवा में जाएंगे, हाय हाय हमारे दिन तो बीत जा रहा है, हा प्राणेश्वरी हा करुणामयी राधारानी कब कृपा करोगे, ऐसे ऐसे व्याकुलता तो उत्कंठा होनी चाहिए। भजन करते हमारे को उत्कंठा नहीं, हम तृप्त हैं, हम मुग्ध हैं, जहाँ के तहाँ पड़े हैं, खा रहे पी रहे संसार की दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के सान्निध्य में आकर के हम उसमें तृप्त होकर के हम निश्चिंत होकर के रह रहे हैं और भजन कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं। तो ऐसे भजन से समय लग जाएगा, जब दुर्लभ मानव तो मिल गया है, जितना जल्दी हो सके निकल चलो यहाँ से, जितना जल्दी हो सके हो सके तो निकाल चलो यहाँ से, नहीं तो समय बहुत दुर्भार है, ना जाने कब फिर हमको मानव जीवन मिलेगा। तो उस दिन तो भरोसा में मत रहो, उस दिन क्या मौका मिलेगा ना मिलेगा, क्या सदगुरु सान्निध्य मिलेगा ना मिलेगा, उस दिन हमको भजन करने की इच्छा होगी कि नहीं होगा, माया हमको किस तरह से घेर के किस जोनी में लेकर के कहाँ से कहाँ ले जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए वर्तमान समय जो बीत गया वो तो आने वाला है नहीं, भविष्य उसका कोई गारंटी नहीं, वर्तमान को छोड़ो मत, एक एक पल एक एक क्षण मुख में अखंड नाम करते रहो और चिंतन करते रहो, राधारानी चिंता राधारानी कृपा करो हमको ले चलो तुम्हारे वो स्वरूप प्रदान करके हमको तुम्हारे सेवा में ले चलो। ऐसे जय जय श्री राधे श्याम। हमारे महाप्रभु के जीवन चरित आलोचना यहाँ चल रहा है, हम लोग आगे तो आज तो यहाँ अटक गए हैं थोड़ा सा, कल फिर चलेंगे हम लोग।